रामपुर में वाल्मीकि समाज का धर्म परिवर्तन का मामला तोल पकड़ता जा रहा है। बस्ती में लोगों से मिलने पहुंची साध्वी प्राची को रामपुर में गांधी प्रतिमा से ही लौटा दिया गया, जिससे आग बबूला। साध्वी प्राची ने आजम खां को आतंकी कह दिया। अब तक साध्वी प्राची मन से आग उगलती थी, लेकिन इस बार ये ड्रामा सड़क पर हुआ है। दरअसल साध्वी प्राची रामपुर में वाल्मीकि समाज के लोगों से मिलने पहुंची थी। धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर अनशन पर बैठे लोगों से मिलकर वो बात करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही उन्हें प्रशासन ने रोक दिया और हिरासत में ले लिया, जिसे साध्वी के समर्थक भड़क गए। साध्वी के साथ मौजूद समर्थकों ने खूब नारेबाजी की। साध्वी भी प्रशासन पर जमकर बरसी। साध्वी का गुस्सा यही नहीं थमा, आजम खान को उन्होंने आतंकी तक कह डाला। जबरदस्ती हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहा है आजम खान। क्या आजम खान के हिंदुस्तान के अंदर और कोई नहीं रहेगा, केवल आजम खान रहेंगे। आतंकी के कहने पर बस्ती अब तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है, और आतंकी के कहने पर धर्मांतरण की तैयारियां चल रही, आखिर क्यों? साध्वी को हिरासत में लेकर पुलिस ने उन्हें रामपुर मुरादाबाद हाईवे पर छोड़ दिया, जिसके बाद साध्वी रामपुर से तो लौट आई, लेकिन दोबारा जाने की धमकी भी दे डाली। रामपुर की धरती पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है, और रामपुर के अंदर अगर इस तरह से जबरन धर्मांतरण कराया जाएगा तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए संतों के साथ में बैठ करके विचार विमर्श करके अगली योजना बनाए। दरअसल रामपुर की वाल्मीकि समाज की इस बस्ती के घरों को अवैध घोषित कर दिया गया है। लोगों का आरोप है कि नगरपालिका के एक अधिकारी ने उन्हें घर बचाने के लिए धर्म परिवर्तन का लालच दिया है। मनीष प्रसाद के साथ रवि सक्सेना, रामपुर, इंडिया टीवी।